हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपको बामना किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी साबुदाने खिचड़ी। इसके लिए मैंने कुछ साबुदाना लिया है। इसके लिए मैंने पहले इसको भिगो के रखा था। मैं इसको आधे घंटे पहले भिगो के रख लिया था साबुदाने को। ये मेरा एकदम से भीग चुका है। देख दो, हमारे साबुदाने खिचड़ी एकदम स्वादिष्ट बनती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए जो कुछ आवश्यक मसाला जो कुछ इस प्रकार है दोस्तों: ककड़ी जिन्हें बारीक काट लिया है, ग्रीन चिली, टोमेटो, पोटैटो जिन्हें मैंने उबाल लिया था, मूंगफली, तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैं इसके लिए लूँगी 2 चम्मच घी, शुद्ध देसी घी। आप चाहे तेल भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने तेल नहीं डाला। इसको मैं मूंगफली को फ्राई कर लेती हूँ पहले 2-3 मिनट के लिए। मूंगफली को उसके अंदर डाल देते हैं। मूंगफली हमारी थोड़ी बहुत फ्राई होने लगी है। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तड़के के लिए जीरा, ग्रीन चिली, टोमेटो, ककड़ी और पोटैटो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब जो साबुदाना मैंने भिगो के रखा था वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। ये हमारी साबुदाने की खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप स्टेप टू स्टेप मेरे चैनल पर बने रहे, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अब मैं इसके अंदर मूंगफली डाल देती हूँ। चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। साबुदाने की खिचड़ी हम उपवास में जरूर बना के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब मैं इसके अंदर नींबू का रस भी डाल दिया है। नींबू का रस डालने से एकदम स्वादिष्ट बन जाती है हमारी साबुदाने की खिचड़ी। इसको मैंने मिक्स कर लेती हूँ नींबू डालकर चम्मच की सहायता से, इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सीधा नमक डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसको। अब मैं एक कचौरी के अंदर साबुदाने की खिचड़ी को निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी साबुदाने की खिचड़ी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। तो अच्छा, धन्यवाद।